पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार पात्र महिला किसानों को मिलने वाले वार्षिक भुगतान को दोगुना कर 12,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। 1 फरवरी को आने वाले बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। पीएम लगातार अपने संबोधन में महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कहते रहे हैं और सरकार का ये कदम उसी दिशा में माना जा रहा है। हालांकि कृषि एवं वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की। सूत्रों की माने तो इस कदम से सरकार पर 12,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मोदी सरकार ने 2019 के आम चुनाव से पहले भूस्वामी महिला किसानों को आर्थिक भुगतान वाली इस योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के तहत सरकार पुरुष और महिला दोनों किसानों को सालाना 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि सरकार महिलाओं को 12,000 रुपए देने पर विचार कर रही है। बता दें कि देश में 26 करोड़ से ज्यादा किसान हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल किसानों में 60% महिलाएं हैं, लेकिन उनमें से 13% से भी कम के पास अपनी जमीन है। महिला किसानों को वित्तीय सहायता बढ़ाने से सरकारी वित्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 550 अरब डॉलर के अनुमानित बजट में ये राशि बेहद कम है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें किसान तक।